अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरे जो लेवल बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और अब हम पूरे कोर्स को का शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि जिन्होंने कोर्स कवर किया हुआ है वो एक क्विक रिव्यू के ज़रिए से अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकें। और सेक्शन 4 से शुरू करेंगे आज, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस बिजनेस के ऑपरेशंस, क्योंकि हमने बिज़नेस की बेसिक्स पढ़ ली, बिज़नेस की मार्केटिंग पढ़ ली, अब वो काम जो कर रहा है बिज़नेस उसमें मैनेजमेंट के क्या एंगल्स हैं उसके हवाले से बात शुरू होगी। ठीक है, बिज़नेस के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, ऑपरेशंस हैं क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्हीं के अराउंड ऑपरेशंस घूमेंगे ना। लैंड है तो उसकी मैनेजमेंट है, लेबर है तो उसकी मैनेजमेंट है, बिज़नेस प्रोसेसेस की मैनेजमेंट है। तो बिजनेस के ऑपरेशंस, जो भी बिजनेस कर रहा हो उसको मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके ऑपरेशंस क्या होते होंगे, फैक्ट्री लगाना तो एक ही दफा होगा ना, डे टू डे ऑपरेशंस तो नहीं होंगे फैक्ट्री लगाने के। फैक्ट्री एक दफा लग गई, हाँ फैक्ट्री मेंटेनेंस डे टू डे ऑपरेशंस में आ सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल डे टू डे काम है, हर रोज होता होगा या हर महीने होता होगा। फिर प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, मशीन का चलाना, लेबर को मैनेज करना, फिर उनको डिलीवरी प्रोसेसेस हैं, यही कुछ प्रोसेस होते होंगे मिला जुला के। कंटिन्यूअसली आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहनी है, मार्केटिंग करती रहनी है, ये भी प्रोसेसेस शामिल हैं, सेल्स करनी है। तो बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि कोई भी अपना प्रोसेस कर रहा है, कोई लेबर, कोई बंदा, तो ये देखना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है, या ये ज्यादा प्रोडक्टिव है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। ऑल दो ये एक जजमेंटल चीज है, इतनी इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस की प्रोडक्टिविटी दूसरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी से मैच करना मुश्किल है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, प्रोडक्ट की टाइप चेंज होती है, उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन जरूरत है वो चेंज होती है। बहरहाल, लेकिन एक तो सबसे पहले देखा जाए प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, किसी कम है, से क्या फॉर्मूला होता होगा। अगेन, आपको नीचे किताब में देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से सोच के बता सकते हैं कि अगर मैं कहूँ आप बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्रोडक्टिव था इन एग्जाम्स पेपर्स, अगर मैं पूछूं कि आप बच्चों में से कौन सा बच्चा एग्जाम पेपर्स में ज्यादा प्रोडक्टिव था, तो कैसे बताऊं, जो पेपर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, पास पेपर्स, कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ आवर्स किसने लगाया और कितने पेपर्स सॉल्व किए, बस। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी है उसका बिल्कुल ही जनरल फॉर्मूला निकालें तो आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आउटपुट निकला डिवाइड बाय कितना इनपुट था। अगर वन इनपुट था, वन आउटपुट निकला, तो प्रोडक्टिविटी निकलेगी वन, वन अपॉन वन। वन इनपुट था और टू आउटपुट निकला, तो प्रोडक्टिविटी निकलेगी टू। ठीक है, यही था से सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो आउटपुट यानी कितने पीसेस बनाए, कितनी गाड़ियां बनाई, आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स, कितने एम्प्लॉय हैं, ये भी उसी फॉर्मूले की एक्सटेंशन। समझ में आ रही है ना कि कितने लोगों ने काम किया और कितना काम प्रोड्यूस किया। आउटपुट अपॉन इनपुट इज प्रोडक्टिविटी। हम चाहते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के जो तरीके हैं वो क्या होंगे, अगेन क्या आपको बुक में देखना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी, आपकी कंपनी में लेबर काम करता है, आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 217 पे। हाँ, अच्छा, मोटिवेट करके टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दें, ऑटोमेशन ले आए, ट्रेनिंग करा दें, ट्रेनिंग कराने से भी तो बढ़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल लगा दें बीच में ताकि गलतियों के चांस ही कम और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी मैंने ट्रेनिंग ही बोला, टू वे कम्युनिकेशन करें। अच्छा ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे होती है तो बातें लिखी नहीं है इसमें। अच्छा, एक अच्छा अलग से एक नई बात आ गई, चूंकि ये चंक्स में चीजें जमा की गई हैं, फ्लो नहीं है इस चैप्टर का, अचानक से एक नया चंक ही आता है कि बिजनेस को स्टॉक क्यों होल्ड करना पड़ता है। तो वो एक बिजनेस ऑपरेशंस में से एक इम्पोर्टेंट काम है, प्रोडक्टिविटी के हवाले से ही, एफिशिएंसी के हवाले से ही। एक चीज होती है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट,
एक चीज होती है स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। अगर आप बहुत सारा स्टॉक होल्ड कर लेते हैं तो आपको बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी स्टिचिंग करवाते हैं, तो आपने कहा कि मैं जितना कपड़ा चाहिए 100% एक महीने का कपड़ा आज ही खरीद लूँ, या 3 महीने का आज ही खरीद लूँ, या 5 महीने का आज ही खरीद लूँ, मुझे बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। जब स्टॉक होल्ड ज़्यादा करते हैं तो स्टॉक ऑर्डर कम करना पड़ता है। और आप कहते हैं नहीं भाई, इतना स्टॉक होल्ड करना पैसा फंसाने वाली बात है, जब ज़रूरत होगी हर हफ्ते के हफ्ते मंगाऊंगा। तो अगेन, एक हफ्ते का तो कम से कम होल्ड कर ही रहे हैं आप, लेकिन आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम करेंगे तो स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्टॉक होल्डिंग में क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? नंबर 1, आपके स्टोरेज की प्रेमिसेस की कॉस्ट होती है। नंबर 2, वो पैसा जो आपने वो खरीद के रखा हुआ है माल, वो पैसे की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वहां नहीं रखा होता तो कुछ और करते उससे। वो एक अलग और मसला है, लेकिन एक्सपायरी तो आपके कंट्रोल से बाहर ही निकल गई। आप वो चीजें जिनको कि आपको देखना था, यानी इस लेवल पे चले गए तो आपने गलती कर दी। गलती से पहले पहले भी कॉस्ट इनकर हो रही है। एक कॉस्ट है उस प्रेमिसेस की कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है वो पैसा जो आपने वहां लगा दिया है वो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहें। ठीक है, दो तो ये कॉस्ट हो गए स्टॉक होल्डिंग। स्टॉक ऑर्डरिंग की कॉस्ट क्या है? स्टॉक ऑर्डरिंग की कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट, बार बार खर्च होगी, कितनी दफा ऑर्डर करेंगे। दूसरी कॉस्ट स्टॉक ऑर्डरिंग की है चांसेस ऑफ स्टॉक आउट, एक टर्म है, क्या है? स्टॉक आउट। स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऑर्डरिंग जल्दी जल्दी हो रही है तो। स्टॉक का क्या मतलब हुआ? फैक्ट्री चल रही थी, कपड़ा चाहिए था, खत्म हो गया, लो भाई सारे लेबर बैठे हैं खामोशी से, तनख्वाह जा रही है उनकी, बैठे हुए काम नहीं कर रहे क्योंकि स्टॉक नहीं है, कपड़े का स्टॉक खत्म हो गया। तो ये भी स्टॉक ऑर्डरिंग की को बढ़ाने से ये होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, इल्ला ये कि आपकी जो सीमलेस आपकी कोलैबोरेशन हो अपनी जो भी आपके सप्लायर हैं उनके साथ, कि वो वाकई इतना एक्यूरेटली टाइम पे पहुंचाते हो, तो वो एक अलग बात है। ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो फिर तो स्टॉक होल्ड किया आपने, स्टॉक होल्ड नहीं करे। आप कह रहे हैं भाई मैं एक हफ्ते का रखूंगा खाली, 7वें दिन ऑर्डर करूंगा। ठीक है, चले मुझे पता है कि स्टॉक जो है ना एक दिन में वापस ले आता है बंदा, एक दिन में वापस ले आता है, तो 6ठे दिन ऑर्डर करूंगा, है ना, 6ठे दिन ऑर्डर करूंगा ताकि 7वें दिन तक सामान आ जाए। 7वें दिन नहीं आया, बार बार ऑर्डर कर रहे थे ना, उसको रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में मसला हो गया, चीजें खराब हो गई, नहीं आया। अब 7वें दिन आप क्या करेंगे? 8वें दिन आप क्या करेंगे? ऑर्डर नहीं पहुंचा, माल नहीं पहुंच, 5वें दिन ऑर्डर करेंगे तो स्टॉक होल्डिंग आपकी बढ़ेगी, आके रखा रहेगा जी। तो ये आपको सोच समझ के फैसला करना पड़ता है कि आपका सप्लायर कितना रिलायबल है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका माल ना पहुंचे, भाई बराह वाली फैक्ट्री में ही है। अब जब बराह वाली फैक्ट्री से ही आ रहा है तो फिर तो स्टॉक होल्डिंग का कोई कॉस्ट बियर करनी नहीं चाहिए आपको, फिर तो बराबर से आ जाता है, बस एक दिन पहले मंगा लो बस। लेकिन अगर इस्लामाबाद से आ रहा है या फैसलाबाद से आ रहा है तो रास्ते का ही आपको हिसाब लगाना है। तो इसलिए एक चार्ट बनाया हुआ है इन्होंने, आप देखिए पेज नंबर 217 पे ही, चश्मा बदल लूं, जिसमें उन्होंने इन्वेंट्री लेवल लिखा है और उसके 3 लेवल बताए हैं, इन्वेंट्री के 3 लेवल बताए हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप फुल ऑर्डर करते हैं तो इतनी हो जाती है मैक्सिमम। एक पॉइंट होता है ये आपने मंगाई, खर्च होना शुरू हो गई। एक पॉइंट आता है कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि यहां पे मैं ऑर्डर दोबारा कर दूं, क्योंकि जब तक बकिया इन्वेंट्री खर्च होगी उतनी देर में ही दूसरा सामान आएगा। तो इस क्वांटिटी को कहते हैं री ऑर्डर लेवल। और उसके बाद आखिर में ये जीरो नहीं है क्वांटिटी, उसके बाद आखिर में मजीद एक लेवल आता है जो कि मिनिमम और बफर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है। ये वो लेवल होता है कि अगर इतनी हो गई और अभी भी आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप ट्रबल में हैं, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। अगर इससे भी नीचे चला गया तो फिर तो आपका काम रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ था, प्रैक्टिकली देखते हैं। हम रोजाना 10 थान इस्तेमाल करते हैं कपड़े के, क्या करते हैं? कपड़े के 10 थान इस्तेमाल करते हैं।
रोजाना 10 करते हैं, ठीक है। हमारा सप्लायर जो सामान पहुंचा देता है हमारे पास, वो 3 दिन में पहुंचाता है ऑर्डर करने के बाद, ठीक है। तो अब ये बताइए, और मैं एक दिन में ना एक दफा में 100 थान मंगाता हूँ, मैंने आज 100 थान मंगाए, तो मैक्सिमम मेरा कितना हो गया, 100, 100 मेरे पास आ गए। अब इस्तेमाल होना शुरू हुए, इस्तेमाल होना शुरू हुए, इस्तेमाल होना शुरू हुए, मैं ऑर्डर कब करूंगा, रीऑर्डर कब करूंगा मैं, कितने थान जब मेरे पास रह जाएंगे तो मैं ऑर्डर करूंगा। अभी बताया है मैंने, दोबारा बताता हूँ, मैं रोजाना 10 थान यूज करता हूँ, 100 थान एक साथ मंगाता हूँ, जो बंदा है वो 3 दिन में पहुंचाता है मेरे पास ऑर्डर, तब मेरे पास कितने रह जाएंगे तो मैं ऑर्डर कर दूं। तीस रह जाए तो ऑर्डर कर दूं, तो अगर 30 रह गए और मैंने ऑर्डर किया, तो जिस दिन ऑर्डर वापस पहुंचेगा उस दिन मेरा मिनिमम स्टॉक 0 होगा, यानी कोई बफर नहीं रखा हमने। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? जिस दिन सामान पहुंचना है उस दिन सारा ऑर्डर 0 हो चुका, सारा स्टॉक 0 हो चुका होगा, इसका मतलब है 0 बफर रखा है आपने। जो नीचे वाली लाइन है वो यही बता रही है, इसका मतलब है कि आप कहाँ खड़े हैं, वही तो बता रहा हूं। इसका मतलब है कि आपने कहा कि मेरा ये मैक्सिमम ऑर्डर है 10, ये रीऑर्डर लेवल है 3, और जब तक ऑर्डर पहुंचेगा तब तक 0 हो जाएगा मेरा माल, और फिर दोबारा रीस्टॉक होगा, और अगर उसमें एक दिन भी डिले हो गया तो मेरा काम रुक जाएगा। बहुत सारे रीजंस हैं, अभी उस पर आते हैं, अभी रीजंस पे आते हैं। अगर मेरा सामान एक दिन भी डिले होगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मैं 3 पे तो ऑर्डर ना करूं। ये बात समझ रहे हैं? तो आबाजी बात समझ रहे, कहाँ पे करूं, कितना पहले, 4 पे करूं, यानी 4 दिन का छोड़ के करूं, 5 दिन का छोड़ के करूं, 10 दिन का तो माल आता है मेरे पास एक साथ, 4 दिन का छोड़ के करूं, 5 दिन का छोड़ करूं, इसका हिसाब लगेगा मुख्तलिफ चीजों को मिला के। हिसाब नंबर एक, इस पे फैक्टर कौन सा है कि मेरा जो सप्लायर है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उस कितनी दफा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी दफा ऐसा होता है कि वो मिसमैनेज कर जाता है, कितनी दफा ऐसा होता है कि अपने टाइम से कितना डिले करता है आमतौर पे, तो फिर उतना डिले तो मैं डालूं। भाई मेरा सप्लायर 2 दिन डिले कर सकता है, तो फिर मैं 3 प्लस 2, 5 दिन पहले ऑर्डर करूंगा, ठीक है। ये जो 2 है ये है मेरा बफर लेवल। बफर कहते हैं कि मैंने थोड़ी बचत का मामला रखा हुआ, ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए मेरा काम बंद हो जाए। इसके अलावा मैंने कहा क्या मुझे हमेशा इतना ही स्टॉक चाहिए होता है, क्या मेरे लेबर हमेशा इतना ही काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन अचानक से ज्यादा ऑर्डर आ जाए और मैं अपने आउटपुट का लेवल बढ़ा दूं और एक दिन में 10 के बजाय 15 इस्तेमाल करना शुरू कर दूं और फिर मेरे पास स्टॉक रखा हुआ खत्म हो जाए। इसका भी हिसाब लगेगा, पता चलेगा नहीं यार 5 नहीं 6 दिन पहले ही कर दो। तो इसका मतलब है जितना कंसिस्टेंटली आपका प्लान होगा उतना ही आपको बफर कम रखना पड़ेगा। नहीं, मुझे एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना होगा, मुझे एग्जैक्टली पता है कितना यूज करना होगा, तो बफर का लेवल कम कर देंगे आप। समझ में आ रही है बात? वो एक्स्ट्रा स्टॉक कि जब नया ऑर्डर आएगा तब भी कुछ रखा हुआ है आपके पास, वो बफर कहलाता है, उसका आप लेवल कम कर देंगे अगर आपको अपने बारे में अच्छी तरह पता होगा। इस तरह से अगर आपका सप्लायर बहुत अच्छा है, वो बहुत एफिशिएंट है, कभी डिले नहीं करता, तो भी आपका बफर का लेवल कम हो जाएगा कि फिर एक्स्ट्रा बचा के रखने की जरूरत नहीं है, करीब करीब बस एक आध दिन एक्स्ट्रा रख लो, तो 3 दिन में आता है, 4 दिन में कर दो ऑर्डर, चाहे 1 दिन बचा के 4 दिन का ऑर्डर कर दो। तो ये अगेन ये मिनिमम और बफर इन्वेंट्री लेवल है, ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे और आपकी अपनी कंडीशन पे, ठीक है। और देखें अगर आप डायग्राम देख रहे हैं 2:17 पे, तो जहां पे आप रीऑर्डर लेवल पे आए थे, यहां से आपका मिनिमम लेवल तक पहुंचने तक का जो टाइम है ये वो टाइम होना चाहिए जितने में के बंदा सामान पहुंचा दे। अगर इतने बंदे ने सामान नहीं पहुंचाया तो देर कर दी उसने, गड़बड़ कर रहा है वो, और इस टाइम को कहते हैं लीड टाइम। ऑर्डर करने के बाद से सामान पहुंचने तक के टाइम को कहते हैं लीड टाइम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की शक्लें देख के, मतलब पढ़े हुए हैं ना ये टॉपिक सारे, ये जो डायग्राम में लिखा है वही बता रहा हूँ मैं।
तो गेम सारा ये है कि आपको अपनी मैनेजमेंट इतनी अच्छी करनी है कि आपका बफर लेवल कम से कम हो, आप जो है वो स्टॉक कम से कम होल्ड करें। एक डायग्राम है जो आपकी किताब में नहीं बनी हुई, एक नज़र यहाँ देख लीजिएगा, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी मंगाते हैं तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। क्यों? रीऑर्डरिंग की वजह से। बात समझ आ रही है कि अगर आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट अच्छी खासी होती है। कौन सी कॉस्ट बड़ी भी होती है इस वक्त? दो कॉस्ट हैं, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये है होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे जाएगी, लॉजिकल बात है। एक 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 डब्बे, एक उसमें ट्रक में एक डब्बा मंगा रहे हैं, ट्रक में 100 डब्बे मंगा रहे हैं, 100 डब्बे मंगाएंगे तो बार बार नहीं मंगाना पड़ेगा। और ये स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है, कम सामान मंगाएंगे तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, लेकिन ज्यादा सामान मंगाएंगे तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखें अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर किया तो ये आपकी ऑप्टिमम ऑर्डरिंग लेवल है। अगर इससे कम पे ऑर्डर करते हैं हर दफा आप, तो आपकी स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम करना चाहते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट को भी कम रखना चाहते हैं। तो ये जो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल है, ऑप्टिमम स्टॉक ऑर्डरिंग लेवल है, वो स्टॉक होल्डिंग और स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला के निकाला जाता है इस तरह से। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ईस्टर्न मैनेजमेंट ने दिया, कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन प्रोसेसेस को पतला करो। जिम भेजो इन्हें। प्रोडक्शन प्रोसेसेस को पतला करने का मतलब उनमें से चर्बी हटाओ, फजूल का खर्चा खत्म करो, हर जगह से जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करो। वी आर टॉकिंग अबाउट लीन प्रोडक्शन। अब ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, वैसे ही जिंदगी में आपके फायदेमंद चीजें हैं ओ लेवल्स के अलावा भी। लीन प्रोडक्शन का मतलब क्या है? हर तरह से ओवर इनएफिशिएंसी, ओवर कॉस्टिंग, ये सब खत्म कर दो, एज एफिशिएंट एज पॉसिबल बना लो। बात समझ आ रही है? तो इसके जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं वो क्या क्या हैं? ओवर प्रोडक्शन को रोका जाए, वेट टाइम खत्म हो जाए। वेट टाइम क्यों होगा? आपने रीऑर्डर लेवल बहुत ज्यादा रख दिया है, तो बहुत कम रख दिया, मतलब जल्दी जल्दी ऑर्डर करते हैं, सामान पहुंचता नहीं है, बंदे खाली बैठ जाते हैं, वेट टाइम नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो, ये भी अगेन आप देख रहे हैं ना, आप नहीं भी देखें बुक में तब भी आप बता सकते हैं कि कैसे क्या कहाँ कहाँ लीन कर सकते हैं। वर्कर्स कम से कम इस्तेमाल हो, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, बिजली कम से कम, रिसोर्सेज कम से कम, टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा, रॉ मटेरियल कम से कम, लैंड स्पेस कम से कम, आपकी वेस्टेज कम से कम, तो अननेसेसरी इन्वेंट्री कम से कम, मोशन एक्शन कम से कम, ओवर प्रोसेसिंग कम से कम, डिफेक्ट्स कम से कम। बहुत बेसिक सी बात है ना, आप खुद भी बता सकते हैं बुक के अलावा भी। तो लीन प्रोडक्शन के फायदे क्या हैं? लीन प्रोडक्शन के फायदे ये हैं, यानी कहना ये चाह रहे हैं सोच समझ के प्रोड्यूस करो और अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाओ। अगर मैं कहूं डिफाइन लीन प्रोडक्शन, तो लीन प्रोडक्शन इज मेकिंग योर प्रोडक्शन प्रोसेसेस एफिशिएंट एंड एलिमिनेट ऑल द वेस्टेजेस। यही ऑलमोस्ट काइजन की डेफिनेशन भी है, ऑलमोस्ट, कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को आप एफिशिएंट बनाएं और वेस्टेज को रिमूव कर दें। लीन प्रोडक्शन हो गई, लीन प्रोडक्शन, वेस्टेज रिमूव कर दिया, लीन कर दी। लीन लीन चिकन खाता हूं मैं, है ना, लीन बीफ खाता हूं, क्या मतलब हुआ? चर्बी निकाल के, इसको लीन कहते हैं। तो लीन प्रोडक्शन के फायदे क्या होंगे, क्या आपको बुक में देखना पड़ेगा सवार भाई? क्या फायदे होंगे? वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल कम लगेगा, वर्कर ज्यादा मोटिवेट होंगे, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल
कंपनी का साइज ग्रो करने का आपको चांस मिलेगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, लेस स्टोरेज, बेटर यूज ऑफ इक्विपमेंट, कटिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, कितनी सारी बातें। लीन प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जेनेरिक टर्म है, इसके बहुत से तरीके दुनिया को मिले हैं और ज्यादातर ईस्टर्न मैनेजमेंट से मिले हैं। ईस्टर्न मैनेजमेंट बोले तो एशियन साइड, वेस्टर्न मैनेजमेंट से नहीं मिले शुरू में, बाद में वेस्ट ने उनको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वेस्ट था एक्स्ट्रावेगेंट। वेस्ट के पास बहुत रिसोर्सेज थे शुरू में, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका के पास तो बहुत रिसोर्स थे, तो वो हमेशा चीज बड़ी करते थे, बड़ी। उनके यहाँ गाड़ी, दो बंदे बैठ के जा रहे हैं लेकिन गाड़ी का साइज है 20 फुट, वो लंबी गाड़ी, इतना बड़ा बोनट, इतनी बड़ी डिक्की, और वो झूलने वाली गाड़ी, झूम झूम। पुराने जमाने की गाड़ियां मूवीज में देखें, कुछ 60s की मूवीज में इतनी बड़ी बड़ी अमेरिकन गाड़ियां होती, गाड़ियां होती थी, उसमें बड़े बड़े इंजन होते थे, बड़े बड़े इंजन, दो बंदे बैठ के जा रहे हैं, इतना बड़ा इंजन के 1 लीटर में 5 किलोमीटर चल रही है, तो बहुत ज्यादा फ्यूल खा रही है। क्या मसला है, फ्यूल सस्ती है, बड़ी गाड़ी है, पैसा बहुत, करोड़पति, क्या गरीब बाप की करोड़पति औलाद है। तो उनके मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे कि शुरू में ये सोच डेवलप होती। जापान के साथ चूंकि वर्ल्ड वॉर हो गई थी, तबाह बर्बाद हो गया था, तो वो शुरू से जो है वो इस सोच के साथ थे कि हमें जो है वो की तरह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकालनी है कम रिसोर्सेज में। इसकी वजह से ज्यादातर जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है लीन मैनेजमेंट के हवाले से, वो वेस्ट से आई है, तो ईस्ट से आई है। तो सबसे पहले उसमें एक टॉपिक है, इसका नाम है काइजेन। काइजेन मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लेकिन है ये लीन प्रोडक्शन ही। काइजेन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किस सेंस में? एलिमिनेटिंग ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एनी काइंड ऑफ वेस्ट इज काइजेन। एक्चुअली है तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन व्हाट सेंस? इंप्रूवमेंट इन प्राइस, इंप्रूवमेंट इन साइज, नहीं, इंप्रूवमेंट इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट किस किस चीज का वेस्ट, ये आप जो जो इमेजिन कर सकते हैं ना सब डाल दें, इसमें कोई मसला नहीं है। हर चीज का वेस्ट, मूवमेंट का वेस्ट, रॉ मटेरियल के यूजेज का वेस्ट, आपकी एफर्ट का वेस्ट, आपकी इन्वेंट्री का वेस्ट, हर चीज के अंदर जो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ स्पेस, वेस्टेज ऑफ एफर्ट, ये आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं, ये सब वेस्टेजेस जो हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस हो जाता है, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे आया सामान, रखा नहीं, अगले डब्बे पैक होने चला गया, बीच में टाइम जो वेस्ट हो रहा था खत्म हो गया। तो काइजन एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है इन्वेंटरी कंट्रोल, ऐसे करो कि जस्ट इन टाइम हो जाए। ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेट कर रही है, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टू डोरो, टोरेडो, सॉरी टू डोरो नहीं है, टोरेडो है। जस्ट इन टाइम का क्या मतलब होता है? जस्ट इन टाइम का वो मतलब होता है जो आप लोगों ने बताया था कि 10 ऑर्डर करते हैं और जब 30 रह जाते हैं तो दोबारा ऑर्डर करते हैं, और जब 0 होता है तो अगला पहुंचा हुआ होता है। तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 0 कर दिया आपने, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 0 कर दें तो आप जस्ट इन टाइम पे आ गए। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, जैसे आपका खत्म हुआ वैसे अगला पहुंचा। जस्ट इन टाइम दो जगह यूज होता है, एक बाहर से ऑर्डर मंगाया आपने, ये भी जस्ट इन टाइम पहुंचा, इतनी अच्छी स्ट्रीमलाइन आपकी एफिशिएंसी थी। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? आपके यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि जैसे ही 3 रह गए डब्बे में थान, वो मेरे सप्लायर की फैक्ट्री में खुद ब खुद ऑटो ईमेल चली गई कि 3 थान रह गए, सामान भेज दो, ऑटो ऑर्डरिंग हो गई। तो टेक्नोलॉजी के यूज से जस्ट इन टाइम ज्यादा आसानी से पॉसिबल हो जाता है, वरना कोई बंदा हर वक्त देखता रहे उससे गलती हो सकती है। ठीक है, नंबर 2, जस्ट इन टाइम आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना एफिशिएंट है, उसमें कभी कोई ग्लिच तो नहीं आती, उससे इंप्रूव होगा। अगर ज्यादा करीब है तो जस्ट इन टाइम पॉसिबल होगा। तीसरा, जस्ट इन टाइम सिर्फ बाहर से ऑर्डर पे नहीं है बल्कि इंटरनल प्रोसेसेस में भी जस्ट इन टाइम होता है। क्या मतलब हुआ कि एक शॉप है हमारी जिसका काम है कपड़ा स्टिच करके उसको शर्ट का शेप दे देना,
दूसरी शॉप है हमारी, उसका काम है आस्तीने बनाना। तीसरी शॉप है हमारी, इसका काम है कॉलर बनाना। चौथी शॉप है जिसमें कि तीनों चीजें कंबाइन होती हैं। अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे पता है कि जो कंबाइंड जगह है जहां पे कि सारी चीजें कंबाइन होनी है, उनके पास 200-400 का स्टॉक होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि मैंने सारे दर्जी बिठा दिए और उन्होंने सिलाई शुरू की और पीछे से आस्तीने शॉर्ट पड़ गई या कॉलर शॉर्ट पड़ गए, अब वो बैठे रहेंगे। अगर अगर आस्तीने 200 रखी हुई हैं, सुन रही है भाई, आस्तीने 200 रखी हुई है, शर्ट के अंदर के पीसेस 200 रखे हुए हैं, कॉलर खत्म हो गए, अब क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो जस्ट इन टाइम अगर आप इंटरनली भी करना है तो इसका मतलब है कि हर हर हमारा जो प्रोसेस है वैसे प्लान हो कि सब तरफ से बराबर से आ रहा हो। मेरे 100 वर्कर बैठे हुए सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसी वक्त 100 कॉलर पहुंचे, तो उसी वक्त 100 आस्तीने पहुंचे, तो उसी वक्त 100 बीच के पीस पहुंचे, ताकि किसी को भी वेट ना करना पड़े, ना स्टॉक रखना पड़े, ना वेट करना पड़े। ये होगा जस्ट इन टाइम, विच इज नॉट वेरी इजी टू हैंडल। ये फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट्स में होता है, जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुई वहां डिले आना शुरू हो गए। उसको पान खाने जाना है, सिगरेट पीने जाना है, सुसु करने जाना है, वो मशीन को तो ना सुसु करना है, ना पान खाना है, ना सिगरेट पीनी है। मशीन तो रिलीजियस भी नहीं है, इबादत करने भी नहीं जाना उसको। तो जितना हाँ ब्रेक्स को तो मैनेज फिर भी कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन एरर ऑफ डिलेइंग थिंग्स ये तो बहुत होता है। बंदा बेहोश हो गया, एक बंदी जो है बैठे बैठे रोना शुरू हो गई, उसे घर में मसले मसाइल थे, उसको अपना उसको चुप कराना है, आपको टाइम वेस्ट हो रहा है। चलें स्ट्राइक, फिर एक बड़ा मसला हो गया ना, स्ट्राइक तो एक फुली क्लोज डाउन हो गई। मैं कह रहा हूँ कि काम करना चाह रहा है, जस्ट इन टाइम पहुंचाना चाह रहा है, फिर भी नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि ह्यूमन एरर्स होते हैं, एरर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा ऑटोमेटेड प्लांट होता है उतना ज्यादा पॉसिबल होता है जस्ट इन टाइम को अचीव कर पाना। जस्ट इन टाइम करने से क्या फायदा होता है? कॉस्ट बचती है। जस्ट इन टाइम असल में किस लिए करते हैं? कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक एक और टर्म है सेल प्रोडक्शन। बेसिक सी चीज है, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कि एक एक टुकड़ा एक एक कंप्लीट कंपोनेंट बना दे, एक एक कंप्लीट कंपोनेंट अलग टीम बना दे। उसमें टीम वर्क अच्छा होता है, इसमें आपस में कंपटीशन अच्छा हो जाता है, मोटिवेशन अच्छी रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा ओके भाई लेट स्टार्ट, एक टीम है दरवाजों वाली, वो चार दरवाजे बनाएगी, एक टीम है टायर वाली, वो चार टायर बनाएगी। टायर वैसे गाड़ी की कंपनी में टायर नहीं बनते, ऐसे ही मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। टायर की कंपनी अलग होती है, एक टीम है दरवाजों वाली, एक टीम है टायर वाली, एक टीम है इंजन वाली, वो एक इंजन बनाएगी, एक टीम है शीशों वाली, वो चार शीशे थर्डों के, दो शीशे आगे पीछे के बनाएगी। ये भी फैक्ट्री में नहीं बनते, बने बनाए आते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बाद में पकड़ नहीं लीजिएगा, तो आपको गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का नहीं पता के। अच्छा, तो अब ये टीमें अलग अलग कंपोनेंट बना रही है, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से ताल्लुक नहीं है। इससे क्या हो रहा है? मुकाबला लगा हुआ, भी देखते हैं कौन पहले बनाता है, कौन अच्छा बनाता है, किसका फ्लॉलेस बनता है, कौन टाइम पे डिलीवर करता है। तो इससे ये जो आपने सेल्स बना दी अलग अलग, जिसमें टीम वर्क अच्छा पॉसिबल हो पाता है, लोग मिलजुल के एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, इससे मजा आता है। लेकिन ये फ्लो प्रोडक्शन में नहीं होगा, मास प्रोडक्शन में नहीं होता। टीम बना के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ये आमतौर पर उसी चीज में होता है जिसमें के ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ऐसी प्रोडक्शंस में ज्यादा होती है। ऐसी प्रोडक्शन जिसमें के फ्लो प्रोडक्शन, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आप मशीन ही बना रही है ना, मशीन का मशीन से क्या मुकाबला, तो मशीनों को तो आपने लगा दिया काम पे सीधा। अच्छा, प्रोडक्शन के कुछ तरीके हैं। एक तरीका है जॉब प्रोडक्शन, एक तरीका है बैच प्रोडक्शन, एक तरीका है फ्लो प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक काम पे सब लग जाओ, सब मिलके एक गाड़ी तैयार करो। फरारी ऐसे तैयार होती है ना, एक टीम है वो पूरी फरारी मिलके तैयार करती है, जब वो पूरी फरारी तैयार होती है फिर अगली तैयारी पे पूरी टीम जाती है। तो इसके अपने फायदे हैं। जॉब प्रोडक्शन का मतलब है कि एक वक्त में एक चीज से पूरी तरह से काम हो रहा है, तो वो कस्टमाइज्ड हो सकेगी, उसकी कॉस्ट लेकिन ज्यादा होगी, उसके कस्टमाइजेशन मैक्सिमम होगी लेकिन कॉस्ट भी मैक्सिमम होगी। तो इसका अपोजिट कर लें, फ्लो प्रोडक्शन में कस्टमाइज मिनिमम होगी, कॉस्ट भी मिनिमम होगी, ठीक है।
फ्लो प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी क्योंकि आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी। फ्लो प्रोडक्शन में इसका उल्टा कर लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी जो एक कंटिन्यूस फ्लो को मेंटेन करेंगी। फ्लो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब मशीनें बना रही है, मुसलसल पार्ट्स बनते, मुसलसल चीज चलती चली आ रही है। आपको मैंने मिसाल भी दी थी कि गाड़ी की कंपनी में गाड़ियां जो बनती हैं वो चैसी को एक दफा उस पर चढ़ाते हैं, जो आपका असेंबली लाइन है वो कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ाते हैं। कन्वेयर बेल्ट तो नहीं होती एक्चुअली वो, लेकिन चले मान लें कन्वेयर बेल्ट पे चलाते चढ़ाते हैं। अब वो चलना शुरू हो गई, यहाँ पे गई 2 मिनट एक स्टेशन पे रुकी, 2 मिनट एक स्टेशन पे रुकी, अब वो चलती जाएगी और कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे उसमें और हर 2 मिनट में एक नई गाड़ी बाहर आती जाएगी। तो दिस इज स्लो प्रोडक्शन, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मैकेनाइजेशन। जॉब प्रोडक्शन में आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, फिक्स टाइम नहीं होता आपका कि इतनी देर में ही तैयार होगी, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी की जो स्टिचिंग है ना लेदर की, वो ब्लैक धागे से नहीं डार्क ब्राउन से कीजिएगा, तो ये जॉब फ्लो प्रोडक्शन में नहीं होता, ये जॉब प्रोडक्शन में हो सकता है। मिसालें क्या है जॉब प्रोडक्शन की? अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं, 221, 222, 223 पे ये सारी मिसालें मौजूद हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज मौजूद हैं कि कौन सी प्रोडक्शन के क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं। जैसे मैंने कुछ तो बता दिया, एग्जाम्पल आपके जहन में होना चाहिए। कार प्रोडक्शन बहुत अच्छी जॉब प्रोडक्शन फ्लो प्रोडक्शन की मिसाल है, नॉर्मली जो कार है जैसे टोयोटा है और इस तरह की कार है। और फ्लो प्रोडक्शन के अंदर बहुत से ऐसे काम है जो कि आप हाथ से करते हैं। हाँ, जैसे कि कपड़े ही हैं, कपड़े भी फ्लो प्रोडक्शन में बनते हैं और कपड़े जॉब प्रोडक्शन नहीं बनते हैं। गाड़ी फ्लो प्रोडक्शन नहीं बनती है, गाड़ी ही जॉब प्रोडक्शन नहीं बनती है। ठीक है, जॉब प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट होती है। अब इकोनॉमी तो स्केल नहीं एंजॉय कर पाते आप, एक चीज में एक चीज बना रहे हाई फ्लो प्रोडक्शन में कर पाते, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। बैच प्रोडक्शन क्या होता है? बैच प्रोडक्शन होता है इन दोनों का बीच की चीज है कि एक वक्त में एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ जॉब आप ले लें और एक साथ उसमें परफॉर्म करें और उसको आगे ट्रांसफर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में बैच प्रोडक्शन होती है, एक साथ 40 बच्चे आपने क्लास में लिए, 40 को पढ़ाया और 40 को आगे बढ़ा दिया। जी, एक साथ आपने 40 बिस्किट्स 40 केक ओवन में रखे, 40 एक साथ बेक किए, 40 बाहर निकाल के प्रोसेस करवा दिए, फिर 40 अगले 40 की बारी आई। तो आपका ये फ्लो नहीं है कि मुसलसल केक बने आ रहे हैं बने आ रहे बने आ रहे बने आ रहे। बहुत सी कंपनीज में फ्लो प्रोडक्शन में केक बनते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की जो फैक्ट्रीज हैं, यानी यहाँ से एक केक गया, वो बेक ओवन में बेक और पीछे दूसरा आ रहा है, वो ओवन इतना बड़ा है कि केक चलता जा रहा है और बेक होता जा रहा है रास्ते में। ठीक है, तो ये बैच प्रोडक्शन जो है वो फ्लो के जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर हैं, बहुत बड़ी बड़ी इक्विपमेंट लगाने के खर्चे को कम करता है। एक साथ 40 लगा दिए, एक साथ 40 बेकरी में गए, एक साथ वो बेक हुए, वो बाहर निकले, इस दौरान पीछे वाले 40 तैयार हो रहे थे, वो तैयार हो के आपने वो उसमें रख दिए। तो फ्लो को इमिटेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो लिमिटेशन है कि हर चीज फ्लो में डालना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो उस कॉस्ट को कट करके आप बैच में बैचेस में काम करते हैं। चॉकलेट में बैच भी होती है, फ्लो भी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी ना, वो फ्लो में ठकाटक ठकाटक एक एक करके बनती चली आ रही बनती चली। अच्छा, ये वो बैच नहीं है, यानी फ्लो में भी बैच होते हैं, फ्लो में बैच डेट वाइज होते हैं। बैच वो बैच एक अलग चीज है कि ये प्रोडक्शन का कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूनिट नंबर 5758वां यूनिट बनाया हमारा, तो उस पर एक नंबर डलता जाता है कि ये डे वन का की प्रोडक्शन है, डे टू की प्रोडक्शन है, ये वीक वन की प्रोडक्शन है, वीक टू की प्रोडक्शन है, ईयर वन की प्रोडक्शन है, ईयर टू की। ये बैचेस तो फ्लो में भी मेंशन किए जाते हैं, ये एक अलग बात है, वो ट्रेस तो फ्लो में भी हो जाता है। यहां जो बैच प्रोडक्शन से मुराद है वो है कि एक साथ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने और एक साथ बाहर आ जाएं। ठीक है, कैड और कैम अप्लाई किया जा सकता है फ्लो प्रोडक्शन में। कैड और कैम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हमने बात किया, ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेशन हो सकती है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ बातें इन्होंने की हैं, जरा फटाफट उनको देख लें। टेक्नोलॉजी हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर, ये पहला चैप्टर थोड़ा लंबा फंसता है। टेक्नोलॉजी हमें ऑटोमेशन में हेल्प कर रही है, टेक्नोलॉजी हमें डिजाइन में हेल्प कर रही है, टेक्नोलॉजी हमें
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है, कि डिजाइन भी वही कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी वही कर रहा है, तो CIM हो गया। फिर कंप्यूटर की मदद से क्या फायदा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आ गए। आप अब इम्तियाज पे जाते हैं तो आपको बंदा हाथ से कैशियर काउंट नहीं कर रहा होता चीजें, वो ऑटोमेटिकली टिक 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 करके चीजें। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल हो गया, क्या क्या है, EFTPOS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप गए, आपने उसने मशीन से प्राइस कैलकुलेट की, आपने कार्ड से पेमेंट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स पॉसिबल हो गई, ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें फायदा हुआ है। टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, टाइम बच गया, सिक्योरिटी बढ़ गई बहुत सारी चीजों में, कम्युनिकेशन बहुत क्विक हो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के चांसेस होते रहे हैं, बढ़ती रही है। शुरू में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने में महंगा पड़ता है, आप ये सारी चीजें खरीदो, इक्विपमेंट खरीदो, महंगा पड़ता है, लेकिन ओवर लॉन्गर रन में उसका फायदा होता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के यूज में चेंज इन्वॉल्व है, लोग खुश नहीं होते चेंज को इम्प्लॉय करने में। पहले तो हम ऐसे काम करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई ऐसे काम को, तो लोग रेजिस्ट करते हैं। और टेक्नोलॉजी आउटडेट भी हो जाती है, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी सर्टेन इनसिक्योरिटीज लगी हुई हैं, वो भी हैक वैक हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आ जाएं बिजनेस कॉस्ट के ऊपर। ऑपरेशन से आके आहिस्ता आहिस्ता बात आगे जा रही है, ऑपरेशन स्टाइल से बाहर निकले, ऑपरेशन कॉस्ट पे आ गए। बिजनेस कॉस्ट जो है वो बहुत सारी जरूरतें हमारी पूरी करती हैं। पहले तो आपको ये पता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिसमें के आपको हर सूरत वो खर्चा करना ही है, चाहे एक यूनिट बनाए चाहे 100 यूनिट बनाए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हर सूरत, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है फिक्स्ड कॉस्ट की, रेंट देना है, यूटिलिटी देना, नहीं यूटिलिटी फिक्स नहीं है, नहीं जिस जिस शहर में जिस चीज की यूटिलिटी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है बस वो फिक्स होगी, जो क्वांटिटी डिपेंडेंट यूटिलिटी है वो फिक्स नहीं होगी, है ना। बिजली का बिल फिक्स कॉस्ट है, सुन रही हैं आप, हैं मौजूद है क्लास में। बिजली का बिल वेरिएबल कॉस्ट कैसे, जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उतना बिल बढ़ेगा, ओके। वैन के चार्जेस फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है, स्कूल वैन के बच्चे के लिए फिक्स्ड है, एक भी दिन नहीं जाए वैन के पैसे पूरे देने पड़ेंगे। हाउस रेंट, हाँ शॉर्ट टर्म में फिक्स है, असल में ये इस एंगल से सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो सोचने का एंगल है ना वो यही है कि क्या मेरे यूनिट कंज्यूम करने पर कॉस्ट बढ़ेगी, क्या ये कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाने पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कहां से बात है, अगर मैंने 100 यूनिट बनाए या 200 यूनिट बनाए हाउस रेंट बढ़ेगा। तो चलो एक बात बताएं, मैंने 200 यूनिट बनाए और 500 यूनिट बनाए हाउस रेंट में फर्क पड़ेगा। उरुज बाजी, 200 यूनिट बनाए या 500 यूनिट बनाए हाउस रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? 200 यूनिट बनाए या 500,000 यूनिट बनाए हाउस रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, 500,000 इसी किराए में थोड़ी बना सकते हैं, इसी घर में थोड़ी बना सकते हैं, दूसरे घर लेने पड़ेंगे, मजीद फिक्स कॉस्ट इनकार करनी पड़ेगी, वो रहेगी फिक्स कॉस्ट ही। मैं यही कह रहा हूँ फिक्स कॉस्ट चेंज होती है लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तक नहीं चेंज होती, उसके बियॉन्ड जब नंबर ऑफ यूनिट जाते हैं तो आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट करनी पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट वो है जो हर यूनिट के साथ चेंज नहीं होगी, ये सही हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो हर यूनिट के साथ चेंज होगी, आसान हो गया ना डेफिनेशन। एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाया तो एक्स्ट्रा लेबर लगेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, मटेरियल और लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, एक्स्ट्रा बिजली लगेगी, बिजली वेरिएबल कॉस्ट है, हर यूनिट के साथ चेंज होगी। ठीक है, बिजनेस कॉस्ट के बारे में छोटी सी चार्ट बना हुआ है, बिला वजह का चार्ट है, मतलब स्टार्ट का टॉपिक कोई नहीं है। पेज नंबर 229 पे बिजनेस कॉस्ट क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सब एक ही जगह डाल दिया उन्होंने। बिजनेस कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करती हैं, प्रॉफिट और लॉस में हेल्प करती हैं।
निकालनी चाहिए। मुश्किल होती है ना कि ये टॉपिक वो रिवीजन चार्ट ही नहीं होता, इसे दो तीन के निकाल मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती आउटपुट के साथ, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती हैं आउटपुट के साथ। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। एक यूनिट कितने का बनाया, ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, ये आप लोगों को याद ही होंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ऐड कर लिए आप। तो आप क्या निकालते हैं इससे? पर यूनिट प्राइस निकल, पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। इससे फैसला करना आसान होता है कि अगर एवरेज पर यूनिट कॉस्ट पता है तो उससे आप टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दें, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ये सारी बातें मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको पता है। कॉस्ट का डेटा कहाँ काम आता है? प्राइस सेल करने के लिए क्या रखनी है, ये निकालने के लिए। कितना प्रॉफिट हुआ, ये निकालने के लिए। क्या प्रोडक्शन जारी रखनी है, बंद कर दें, कॉस्ट का डेटा से बता सकते हैं भाई निकल गई, हाथ से निकल गई कॉस्ट, अब नहीं बेच सकते हम इतने में, तो ब्रोको प्रोडक्शन को, ठीक है। क्या ये कॉस्ट जो हमें पड़ रही है इस प्रोडक्शन प्रोसेस से ठीक पड़ रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। क्या ये लोकेशन हमारे लिए ठीक है, जितनी महंगी हमें पड़ रही है, कैसे सस्ती लोकेशन तो कोई नहीं है। तो बहुत सारे डिसीजन में कॉस्ट काम आती है। कॉस्ट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको मैं क्या बोलता हूं? स्केल बड़ा करना की वजह से बचतें, साइज बड़ा करने की वजह से होने वाली बचतें। तो वो कौन कौन सी बचतें होती हैं? पूरी लिस्ट मौजूद है पेज नंबर 233 पे, बहुत अच्छा सा चार्ट मौजूद है। परचेजिंग की वजह से बचत होती है, जब ज्यादा खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है। मार्केटिंग में बचत होती है, बहुत सारी चीजों की मिला के आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। ज्यादा बड़े प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो ज्यादा बड़ा बजट बना सकते हैं अपना। फाइनेंशियल इकोनॉमी में बड़े बड़े लोन लेते हैं, सस्ते पड़ते हैं, कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैनेजरियल इकोनॉमी है, आप जब ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत स्पेशलिस्ट किस्म के मैनेजर्स को हायर कर सकेंगे। टेक्निकल इकोनॉमी है, बड़े लेवल की प्रोडक्शन होगी, बड़ी मशीन आ सकेगी जो ज्यादा टेक्निकली साउंड होगी। लेकिन कुछ कुछ डिस इकोनॉमीज भी होती हैं कि जब साइज बड़ा होता है कंपनी का तो कम्युनिकेशन खराब होती है, साइज बड़ा होता है कंपनी का तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, साइज बड़ा होता है कंपनी का तो एम्प्लॉइज का कंपनी के साथ रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है, साइज बड़ा होता है कंपनी का तो मिस मैनेजमेंट भी होती है। हर चीज पे नजर रखना पॉसिबल नहीं रहता, पॉलिटिक्स तो छोटे बड़े सब में होती है, जहां एक से दो हुए पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अच्छा जी, ब्रेक इवन का क्या कॉन्सेप्ट है? यार ये बनाना आना चाहिए, मैं एक दफा आपको बना के दिखाता हूँ, आप प्लीज जरा सामने आ जाए। जी, ब्रेक इवन क्या होता है कि देखें, मैंने कंपनी खोली, $5,000 तो मुझे खर्च करने ही पड़े मशीन खरीदने में, ये फिक्स कॉस्ट है, हमेशा फिक्स कॉस्ट ऐसी बनती है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये मेरी 0 पे 0 और 100 पे 100 वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यहां से जाती है, जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? देखने में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, हर पॉइंट पे फिक्स प्लस वेरिएबल करो तो जो बनेगी वो बनेगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होगी? टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगी यहां से, जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होगी, क्योंकि जब 0 यूनिट था तो वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं थी, खाली फिक्स कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट थी। फिर जब 1 यूनिट हुआ तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वो यहां पे आ गए। तो देखने में क्या पता चलेगा कि फिक्स टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल का होगा, लेकिन दोनों में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? वो फिक्स कॉस्ट का डिस्टेंस होगा, ये टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। और अब तीसरी चीज बनेगी, तीसरी चीज बनेगी प्राइस, यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू जहां टोटल कॉस्ट को कट करेगा, ये पॉइंट है कि इससे पहले पहले लॉस था, इसके बाद जो है वो प्रॉफिट है। इसको अलग से ही बनाते हैं बाज़ोकात, इसको अलग से ही बनाते हैं कि खाली रेवेन्यू
और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमेशा ऊपर से बनेगी थोड़ी सी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी शामिल है ना उसमें, खाली कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इससे पहले पहले था यहाँ पे लॉस होना, ये रही जाएगा पेज नंबर 234 पे। आप लोग बना सकते हैं दोबारा बगैर देखे, दोनों दोनों नीचे से ऊपर ही जाएंगे, प्राइस भी बढ़, रेवेन्यू भी जितने यूनिट्स बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा, कॉस्ट भी जितने यूनिट्स बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू की स्पीड बढ़ने की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होती है, इसलिए वो स्टीपली ऊपर जाएगा, कॉस्ट थोड़ा स्लो ही जाएगी। रेवेन्यू जीरो पे जीरो होता है, टोटल कॉस्ट जीरो पे जीरो नहीं होती क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से थोड़ा ऊपर से शुरू होती है, फिक्स कॉस्ट के साथ ही शुरू होती है। तो ब्रेक इवन चार्ट इतना एग्जैक्ट नहीं होता वैसे कि बस अगर मैंने इतने यूनिट बना लिए तो यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, ये एक्चुअल बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो लॉस या प्रॉफिट का डिसीजन ले रहे होते हैं हमारे, लेकिन एक जनरल अंदाजा हो जाता है कि इस जगह तक आते आते तक हमारी कॉस्ट को मीट कर चुकी होगी, हमारी कॉस्ट को मीट कर चुका होगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं उस पर अगर टोटल कॉस्ट निकाली जाए और टोटल रेवेन्यू निकाला जाए तो बराबर हो गया होगा। तो यूं ब्रेक इवन एनालिसिस हम नहीं काम करते हैं, ऐसे कि हम अपने स्कूल की बात कर लें तो हमने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं कि जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे 130 तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई लॉस नहीं हो रहा होगा, जनरली ब्रेक इवन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद मजीद देखी जा सकती हैं, लेकिन एक बेंच एक आपको एक बॉल पार्क फिगर मिल जाती है कि यार ये इतना तो करना है आपको, तो हमें एक्सपेक्टेडली कितने यूनिट सेल करने हैं, कितनी मेहनत करनी है, ये हमें हेल्प करता है। ब्रेक इवन ये बताता है कि बिजनेस बड़ा अच्छा रहेगा अगर इतने यूनिट सेल कर लिए तो, और अगर नहीं बिके तो बेकार हो गया ना बिजनेस। ब्रेक इवन ये अज्यूम करता है कि ये यूनिट बिक गए होंगे, नहीं बिके तो ब्रेक इवन ही नहीं आए तो बिजनेस लॉस में चल रहा होगा। तो बिजनेस ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ लिमिटेशन है, फिर दूसरे एंगल्स नहीं देखे जा रहे, जैसे कि ब्रेक इवन पे फोकस हो रहा है ज्यादा बेचो के हिसाब से, ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा बेचो, ये नहीं देखा जा रहा कि वेस्टेज कैसे कम करें, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें, कस्टमर के रिलेशनशिप और लॉयल्टी पे क्या काम करें, ये था। अगर सिर्फ ब्रेक इवन एनालिसिस की बुनियाद पे बिजनेस डिसीजंस लेंगे तो थोड़ी गड़बड़ है, हाँ, लेकिन ब्रेक इवन आपको एक अंदाजा, कम से कम स्टार्टिंग बिजनेस के लिए एक अंदाजा देता है कि आपको यहाँ तक तो जाना पड़ेगा, फिर जाके आप रिकवर करें। करते हैं सभी लोग, अच्छा भी करते हैं, और ये बड़ा अच्छा चार्ट 237 पे दिया है, ब्रेक लिमिटेशन है, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में आते हैं कि आपके ख्याल से ब्रेक इवन एनालिसिस क्या एक अच्छा एनालिसिस टूल है, तो बड़ी अच्छी बात होती है कि हाँ जी ये बड़ा क्विक व्यू में आपको दिखा देता है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि अगर इससे नीचे गई तो आप लॉस में रहेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉफिट एरिया लॉस एरिया दिखा रहा होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है कि ये रिज्यूम करता है कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, सब बिक गया होगा, ब्रेक इवन यूनिट पर पहुँच गया लेकिन बिका सब नहीं है भाई, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ, ठीक है, तो ब्रेक इवन पे पहुंचना, प्रोडक्शन ब्रेक इवन पे पहुंच गई, सेल्स भी पहुंची कि नहीं पहुंची ये नहीं देखा जा रहा होता, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहती, वो भी वेरिएबल कभी कभी हो जाती है, इसका फैक्टराइज नहीं करता ब्रेक इवन वगैरह। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को जो है वो कैलकुलेशन को आपको करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता है पेपर में, क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी, और तुमने बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है कि क्वालिटी को हम तीन लेवल्स पे देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसमें बहुत शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि सारी तफसीलात मौजूद हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ड्रॉबैक सब मौजूद है, आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए भी हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब हुआ कि आप जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल रहा था तो उस वक्त आपने प्रोडक्ट को घुमा फिरा के देख लिया कि ठीक है कि नहीं, क्या खा चुके, आपने फैक्ट्री से निकलते वक्त देख लिया कि प्रोडक्ट में कोई कमी बेशी तो नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल।
कस्टमर तक खराब माल ना पहुंच जाए, सारे खराब माल को साइड में करते जाओ, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, खराब माल बनाए ही क्यों, यहां से हमारी अगली डिस्कशन शुरू होती है। क्वालिटी कंट्रोल अच्छी चीज है, कस्टमर को खराब माल नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 237 243 पे। और ये बात बहुत कॉमन सी बात है कि चीजें जाया क्यों करना है, यहाँ पर आप ऐसी नौबत आई क्यों रहेगी क्वालिटी। एक्स्ट्रा हायरिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब होता है, हर स्टेज पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लें कि बनेगा ही ऐसा, हर सूरत में ये इंश्योर कर लिया बनेगा ही ऐसा, तो क्वालिटी हर सूरत में अच्छी ही होगी, लेकिन फिर भी कंट्रोल करा लें। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है हर स्टेज पे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए, देखें लव जहन में रखिएगा, कुछ ऐसे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि अगर इस तरीके से बनाओगे तो लाजमन खराब बनेगा ही नहीं, ऐसे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो खराबी का चांस ही नहीं है। इसमें बहुत सारी टर्म्स और भी इस्तेमाल होती है, सिक्स सिग्मा भी है, बड़े मजार से मैंने शायद बताई थी मैंने। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपेंसिव भी है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस में ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस से आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत फर्क पड़ता है। और अब हम जो टर्म यूज करते हैं वो TQM करते हैं, TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस की। तो क्वालिटी कंट्रोल तो आपने कर लिया, क्वालिटी एश्योरेंस भी कर ली कि हर स्टेप पे आपने मैनेज कर लिया, ऐसे सेट्स ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दिए कि सामान खराब बन ही नहीं रहा, इस प्रोसेस को मुसलसल इम्प्रूव करते चले जाएं, ये कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी आप इस बात को फोकस कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, हर स्टेप पे क्वालिटी मैनेज हो रही है, साथ साथ ये जो स्टेप्स हैं इनको आप इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं, और इवेंचुअली आप किधर जा रहे हैं, आपका टारगेट है जीरो फॉल्ट की तरफ। तो ये एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस को जब आप काइजन के साथ एसोसिएट कर देंगे तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आप चले जाएंगे। आपको पता है कि अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं, और बाकायदा कंपनीज हैं जो सिर्फ ये काम कर रही हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इशू करती हैं, यानी आपको बताती हैं कि आपका प्रोडक्ट इस क्वालिटी को मैच करता है कि नहीं करता है। इसकी मैंने बहुत सारी मिसालें भी दी थी, जैसे कि ISO सर्टिफिकेशन है, जैसे कि मैंने कहा था कि ईवो इंटेल की सर्टिफिकेशन है कि लैपटॉप में क्या क्या है आपके, और हलाल सर्टिफिकेशन है, या और स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी हैं, दुनिया भर की स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट ये है हमारा इस चैप्टर का कि कोई कारोबार कहां होना चाहिए है, इसके ऊपर आपको टोटल चैप्टर में से सिर्फ 3 चार्ट्स पढ़ने हैं, पेज 251 पे, पेज 255 पे और पेज 258 पे। ये बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग वालों का बिजनेस कहाँ होना चाहिए, पेज 251। तो जाहिर है उनको देखना है कि उनकी लैंड सस्ती पड़ती हो, उनको रेंट कम पड़ता हो, उनके करीब में सप्लायर मौजूद हो, उनके कस्टमर की करीब मौजूद हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, पावर हो, वाटर हो, रॉ मटेरियल हो, ये सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए उसको लोकेशन डिसीजन लेने के लिए, वो इन चीजों को देखता है। इसी तरह से टाइप ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कि एक रिटेल वाला क्या देखता है उसको आप देख सकते हैं, कि वो देखेगा कि मेरे शॉपर्स करीब में हैं, ज्यादा हैं तो मैं वहां खोल लूं, मेरा कंपटीटर्स ज्यादा हैं, लोग भी यहां पे ज्यादा आएंगे, ठीक है, मेरे कंपटीटर इतने ज्यादा हैं कि अब मेरे लिए जगह नहीं बची तो नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई कानून तो नहीं है बेचने खरीदने के ऊपर, कोई मसला तो नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, डिलीवरी के सिस्टम्स कितने अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह, ये 255 में मौजूद है। फिर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, रिटेलिंग में पार्किंग भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज भी है 253। सर्विस वाला ये देख रहा है कि क्लाइमेट कैसी है, रेंट कितना देना पड़ रहा है, कस्टमर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे कहां बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी का मैं कितना यूज कर सकता हूँ इस जगह पे, लेबर की अवेलेबिलिटी किस तरह की है, सारी चीजें हम सर्विस इंडस्ट्री में देखते हैं। तो हर बिजनेस ये वाली बातें आप अपने
एक्चुअली बुक को देखे बगैर भी बता सकते हैं कि अगर आप कोई कारोबार खोल रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए उस कारोबार को खोलते हुए, कि कहाँ खोला जाए। आखिरी बात है कि क्या डिफरेंट कंट्री में, दूसरे मुल्क में कारोबार खोलने के कुछ फायदे नुकसान आते हैं। अगेन ये चार्ट मौजूद है कि इसमें जो बातें चार्ट में मौजूद हैं वो दोनों तरफ से काम आएंगी, फायदे में भी और नुकसान में भी। यानी न्यू मार्केट है, नए लोग होंगे, चीपर सो रॉ मटेरियल मिल सकता है, लोअर टैक्सेस हो सकते हैं, लेबर सस्ता मिल सकता है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कम हो सकती हैं, ट्रेड बैरियर्स कम हो सकते हैं और उसका अलर्ट भी हो सकता है। यानी ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा हों, गवर्नमेंट की ग्रांट्स ना मिल रही हों, लेबर महंगा हो, लोअर हायर टैक्सेस हों, रॉ मटेरियल मुश्किल से मिले, या मार्केट में लोग पहले ही सैचुरेटेड हों, मार्केट पहले ही सैचुरेटेड हो, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला किया जाता है कि मुझे न्यू मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा लोकेशन डिसीजन के तीन चार्ट्स हैं जिनको के देखते हुए हमें फैसला करना होगा कि हमें कहाँ लोकेट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं ये तीनों चार्ट्स, आपके पास चारों चार्ट्स आपके पास बने होने चाहिए, क्योंकि आपके पास पेपर सॉल्यूशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया अपना ये सेक्शन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।